इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे बिहार और यूपी के यात्रियों के लिए क्या है अच्छी खबर, क्योंकि रेलवे ने लगातार नई ट्रेनों की सौगात दे रही है, साथ ही पहले से चलने वाली ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार और यूपी से चलने वाली ट्रेनों के लिस्ट के बारे में, जिन ट्रेनों का रेलवे ने एक्सटेंशन कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, रेल न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में बढ़े आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। रेलवे बोर्ड की ओर से यूपी के गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के बीच चलने वाली यूपी गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंशन किया गया है। उधर पूर्व रेलवे के यार्ड में जल जमाव के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित है, लेकिन इसी ओर अच्छी खबर आ चुकी है। रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन नंबर 05301 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को और दो फेरा चलाने का घोषणा किया गया है। और ऐसे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ये बताते हैं कि यह ट्रेन अपने निर्धारित टाइम टेबल और स्टॉपेज के अनुसार ही चलेंगी और 15 अक्टूबर को यह ट्रेन बांद्रा से गोरखपुर को भी चलाई जाएगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को इसका परिचालन दूसरे दिशा में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के अलावा कुछ अन्य ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। 27 को नई चलेगी काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस ट्रेन और पूर्व रेलवे के टिकियापाड़ा यार्ड में जल जमाव के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भी बताते हैं कि 25 सितंबर को ट्रेन नंबर 03019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त थी, जिस वजह से पैसेंजर को उस दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ और भी नई ट्रेन रेलवे चलाने वाली है और जिसकी सुविधा आपको अक्टूबर के बाद के तारीख से देखने को मिल जाएगी। और सामान्य दिनों में भी MST की बुकिंग की सुविधा चालू होने वाली है, और इसके लिए भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी खबर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।